स्वागत गलां ते की देख रहे सारे दर्शकों का निघा स्वागत करते हैं। मैं हाँ परमवीर। दर्शको हर रोज़ थानू उड़ीक हुंदी है गलां ते गीत दी और हर रोज़ असी एक नवे विषय दे नाल थानू मिलवाने हैं। ते आज दा विषय जिहड़ा है बच्चों के लिए माँ बाप के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अक्सर असी देखते हाँ कि माँ बाप नू यह शिकायत रहिंदी है कि साडा बच्चा जिहड़ा है पढ़ता नहीं है, सारी दिहाड़ी फोन ते लगा रहिंदा है, तो उसका पढ़ाई वाल रुझान किवें लियाना, यही अज दा साडा विषय है। भी जिहड़े साडे स्कूल है वो किहो जिहे होने चाहिए है, की जिम्मेवारी बनती है स्कूलों की और अध्यापक किहो जिहा होना चाहिए है, क्योंकि कहिंदे है कि जे एक चंगा अध्यापक होएगा तो ही जिहड़ा विद्यार्थी है वह एक चंगा विद्यार्थी बन सकेगा, तो आने वाले समय के एक नवा जिहड़ा है समाज सिरजेगा। सो अज का विषय है जी साडा बच्चों विच पढ़ाई लई चेतना पैदा करना, और इस विषय पर गलबात करने लई खास मेहमान जिहड़े साडे कोल पहुंचे ने उन्हां नाल तुहानू रूबरू करवा दिंदे हां। साडे कोल पहुंचे ने जी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पठानकोट तो श्री दुर्योधन गुरदयाल सिंह जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करदे हां प्रोग्राम दे विच। सति श्री अकाल जी, थैंक यू जी। देखो बड़े लंबे अरसे तो तुसीं दस्या कि इस सिक्ख्या दे नाल तुसीं जुड़े हुए हो, पहला तुसीं अध्यापक सी, फिर तुसीं प्रिंसिपल रहे, हुण तुसीं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो पठानकोट दे विच, ते तुहाडे जिन्ना मैनूं लगदा जिन्ना तुसीं बच्चियां नूं कोल हो के वेख्या, विद्यार्थियों कोल हो के वेख्या, मैनूं लगदा किसी ने शायद ना देखा होवे, और तुसीं बच्चियां दी मैंटैलिटी चंगी तरह जाणदे हो, एलीमेंट्री सैक्शन दे विच हो तुसीं, है ना। ते आपां सब तो पहला देखो आपां गल्लां बहुत सारियां करनियां, बहुत सारे सवाल है जहन दे विच, और जिहड़े आप देख रहे हैं प्रोग्राम उन्होंने भी जहन च बहुत सवाल होंगे बच्चों को लैके, पर सब तो पहला जिदा सिक्ख्या की आप गल करनी है, पढ़ाई की गल करनी है, ये पढ़ाई उ जी आप स्कूलों के सिर्फ किताबी पढ़ाई पढ़ने हाँ, या की है सिक्ख्या, की है सिक्ख्या का मुख उद्देश? देखो एजुकेशन जी है वो एक माता के पेट तो शुरू होकर तो अंत तक जाती है आदमी तक जी, सिक्ख्या कभी भी खत्म नहीं होंगी। तो सो सिक्ख्या जी स्कूल के जो आप पाठक्रम आप सीखते हैं वो सिक्ख्या विद्यार्थी का परसनैलिटी डिवेलपमेंट वह एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवानियाँ, स्पोर्ट्स वाले पास उन्होंने लैके जाना, ये सारिया चीज़ा एजुकेशन के नाल संबंध रखदियाँ। कला पाठक्रम जोड़ा है वो जो हैड ऑफिस तो मिल गया उन्होंने आप स्कूलों के पढ़ाता, उन्होंने आप पढ़ाई नहीं कह सकते, उसकी परसनैलिटी डिवेलपमेंट जी है विद्यार्थी एक चंगा नागरिक बनाने जो जो चीज़ा चाहिए वो सारिया स्कूल के डिसिप्लिन सिखाना और परसनैलिटी डिवेलपमेंट के सारा कुछ उन्होंने टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली करने लिए पाबंद करना, ये सारिया चीज़ा एजुकेशन के नाल संबंध रखती हैं जी। जिमें मैं शुरुआत गल की कि माँ बाप की शिकायत रही है कि बच्चा जिहड़ा सारी दिहाड़ी फोन पर लगा रहा है, थानू नहीं लगता इतने कितने ना कि जिहड़े माँ बाप जिम्मेवार है कि वह भी सारा दिन फोन पर लगे रहेंगे है, तो बच्चा तो उही करेगा जो माँ बाप करते हैं, इतने सवाल यही बनता है कि माँ बाप के बच्चों प्रति फर्ज की बनते हैं? देखो विद्यार्थी का जो पहला स्कूल है वह उन्होंने माँ प्यो है जी, वह घर है, घर के किस तरह का वातावरण है, माँ प्यो उस किस तरह विचरते हैं है वह उन्होंने कॉपी करता है जी, जिस तरह स्कूल एक अध्यापक कॉपी करता विद्यार्थी उस तरह घर के माँ प्यो न, क्योंकि छे घंटे बच्चे ने स्कूल रहना बिल्कुल, बाकी सारा दिन उन्हें सोसाइटी के माँ प्यो के नाल विचरना जी, तो माँ प्यो जिस तरह के मार्गदर्शन बनणगे विद्यार्थी के उस तरह ही उन्होंने फॉलो करता हो विद्यार्थी जोड़ा है वह अगे उन्होंने फॉलो करके जिंदगी जीवन की जी कला सीखेगा जी। तो एक जिदा मोबाइल की आप गल की तो ये दो पहलू है, आप गल करिए जो मोबाइल फोन एक पास टाइम वेस्ट कई कहें भी बड़ा टाइम वेस्ट करता है जी, गेम खेलता रहता बच्चा, दूजे पास नॉलेज बहुत दिंदा जी, जे आपां दूसरा पहलू देखिए मोबाइल फोन का, तो अज सोशल मीडिया का युग हैगा, सोशल मीडिया के उत्ते हर चीज़ जी अवेलेबल है, यूट्यूब के उत्ते इहो जिहे एजुकेशनल वीडियो चैनल हैगे जिहड़े साडे टाइम ते नहीं हुंदे नहीं हुंदे सी, इस वेले हर चीज़ की नॉलेज जी है विद्यार्थी यूट्यूब के थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू ग्रहण कर सकदा जी, पर जिहड़ा साडी रूट हैगी है वह तो ब्लैक बोर्ड से कापी पैनी है बिल्कुल, उहनूं उहदा कोई बदल नहीं हैगा, उहदा कोई बदलाव नहीं बिल्कुल, आपां उस ते भी गल करांगे सोशल मीडिया ते भी गल करांगे, और हर चीज़ के दो पहलू हुंदे आ, हर चीज़ की मैरिट्स ते डीमैरिट्स हुंदे आ, और आपां चुनना है कि आपां उहदा दुरउपयोग करना है या उपयोग करना। देखो हुण गल आउंदी है जदों बच्चा, हुण तुसीं दस्सिया कि बच्चा माँ दे गर्भ दे विच ही सिखना शुरू कर दिंदा है, हुण उसने जन्म लिया, दो साल का होया, ढाई का होया, तीन का होया, माँ बाप की एक चिंता होंगी कि हुण बच्चे नूं स्कूल दे विच भेजना है, किहड़े स्कूल दे विच भेजना है वह बाद विच सवाल बनता है, पर किहड़ी उम्र दे विच भेजना है वह सवाल पहला बनता है।
जी जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार हर एक विद्यार्थी जिहड़ा 3 साल की उम्र ग्रहण करता है उस तो बाद वह स्कूल जाने के काबिल हो जाता है प्री प्राइमरी एजुकेशन वो हासिल कर सकता है। उस तो बाद 6 साल की उम्र जी जरूरी है पहली जमात के प्राइमरी एजुकेशन एंटर होने वास्ते 6 साल तो लैके 14 साल की उम्र तक मुफ्त से लाजमी सिक्ख्या जिहड़ा वो सरकार का जिहड़ा मोटो हैगा राइट टू एजुकेशन एक्ट के हर बच्चे ग्रहण करनी वो जरूरी हैगी है। तो माँ प्यो का भी फर्ज बनता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार हर बच्चे जिहड़ा कि 6 साल तो 14 साल की उम्र का हैगा उन्हों स्कूल भेजा जाए तो पहली तो 8वीं क्लास की लाजमी सिक्ख्या उन्हों प्रदान करवाई जाए। उत्थे दूसरे पासे कुछ बच्चे जिहड़े है उस CWSN जिन्होंने आपां कहिंदे आ चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड जी कोई हेयरिंग इंपेयर्ड हैगा जां फिजिकली हैंडीकैप है उन्हां वास्ते एज ग्रुप थोड़ा जिहा अलग है उहदे विच 6वीं तो लैके 18 साल की उम्र का बच्चा जिहड़ा है वह 6वीं क्लास तो 8वीं क्लास की सिक्ख्या जी हासिल कर उन्हें थोड़ी जी रिलैक्सेशन दी गई है क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी करके सो यह एज ग्रुप के बच्चे जिहड़े आ स्कूल दे विच अपनी लाजमी सिक्ख्या जी हासिल कर सकते जी। तो हुण देखो एक यह भी चिंता होंदी है माँ बाप नूं भी हुण बच्चे नूं स्कूल दे विच दाखला दवाना है तो किहड़े स्कूल दे विच क्योंकि इन्ने सारे स्कूल है साढ़े आले दुआले हुण पहलां तां इदां हुंदा सी ना कि जे पिंडां दी जे आपां गल करिए तो पिंडां वाले बच्चों नूं शहरां दे विच पढ़न जाना पैंदा सी हुण तां पिंडां दे विच भी इन्ने स्कूल है थोड़ी थोड़ी दूरी ते और एक फिक्र होंदी है माँ बाप नूं कि इस नूं सरकारी स्कूल पाया जाए प्राइवेट या अजकल तो जिवें कॉन्वेंट का जमाना तो इहदे विच की फर्क है कि इस स्कूल मायने रखते हैं सिक्ख्या हासिल करन वास्ते। देखो जी जिस तरह आप दूरी की गल की सब तो पहला तो ही तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार हर एक किलोमीटर के उत्ते सरकारी स्कूल है प्राइमरी जी उसी तरह 3 किलोमीटर से मिडल स्कूल है सो ये स्कूल है स्कूल की इस वेले अवेलेबिलिटी हर पिंड दे विच हैगी है कोई इहो जिहा पिंड मैनूं नहीं लगता कि होएगा साढ़े टाइम से 7-8 किलोमीटर तुर के जाने पैंदा हैगा स्कूल प्राइमरी स्कूल लभण वास्ते वो चीज़ां हुण नहीं हैगियां हुण हर स्कूल हर पिंड दे विच स्कूल है हर कस्बे दे विच स्कूल है और शहरां दे विच भी 1-1 किलोमीटर के 2-2 किलोमीटर के स्कूल जिहड़े अवेलेबल है। स्कूल देखो किहड़ा होना चाहिए तो प्राइवेट स्कूलों की आप गल करिए सरकारी स्कूलों की गल करिए सारे स्कूल बराबर है गया। पर इस वेले मैं सारियां दसना चाहवागा कि जिहड़ा सरकारी स्कूल है उत्थे हर तरह दियां सुविधावां अवेलेबल है जी साडे कोल प्रोजैक्टर है समार्ट क्लासरूम है मेहनती ते पढ़े लिखे अध्यापक है तजर्बेकार अध्यापक है जिहड़े डबल एम ए बी एड टैट क्वालीफाइड और डिपार्टमेंटल एग्जामीनेशन पास करके जिहड़े आंदे आ टीचर बड़े मेहनती तजर्बेकार टीचर है। सो इस रिलेटड पोषण माह की आप गल की थोड़ी देर पहला तो ही संबंधित तो PM पोषण स्कीम हैगी मिड डे मील स्कीम जिम्मू आप कहने सो यह बहुत सारिया स्कीम मुफ्त टैक्सट बुक्स किताबा मिलती हैं स्कूलों के वर्दियां मिलती हैं हर तरह की सुविधा जी सरकारी स्कूलों के कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल प्राइवेट नालों घट नहीं बिल्कुल जी इस वे सरकारी स्कूल प्राइवेट नालों उपर चले उपर चल रहे हैं जी बहुत वधिया तुसीं गल कही है। और देखो हुण इत्थे माँ बाप की जिम्मेवारी की तो आप गल की है स्कूलों की जिम्मेवारी की बनती है बच्चों प्रति भी जदों बच्चा माँ बाप एक जिम्मेवारी नाल भेजदा है बच्चा सवेर तो लैके दोपहर तक छड़दा है उत्थे स्कूल की जिम्मेवारी हुंदी है उस टाइम ते भी बच्चे नूं किस तरह का एटमोसफेयर देना है किस तरह का माहौल देना है ता जो आने वाले समय दे विच वो एक चंगा नागरिक बन सके। बिल्कुल जी स्कूल भावें बच्चा 24 घंटे 6 घंटे ही रहिंदा है जी पर स्कूल एक अहम रोल अदा करदा है जो भी 6 घंटे दे विच उन्हों सिखाया जाता है बच्चे नूं उही चीज़ां वो घर जाके भी कॉपी करता है जी। और जे एक अध्यापक जिदा क्लासरूम दे विच जिस तरह पढ़ा रहा मैं खुद कई बार मोनीटर किया अपने बच्चों भी जी भी वह किस तरह वह टीचर उन्हों पढ़ा रहे क्लास दे विच घर जाके भी उस तरह ही कॉपी करते हैं बिल्कुल तो एक मार्गदर्शक है अध्यापक अध्यापक जिहड़ा हैगा वह एक अहम रोल करता अदा करता है एक विद्यार्थी की डिवेलपमेंट दे विच उन्हों कॉपी करता विद्यार्थी सो स्कूल जिहड़ा है वह एक सुखाला माहौल होना चाहिए साफ सुथरा माहौल होना चाहिए और अध्यापक के विद्यार्थी के जो संबंध है वह भी एक पहला जो संबंध है अध्यापक के गुरु शिष्य का गुरु शिष्य परंपरा चलती सी पर इस वेले जो आप देखिए अध्यापक के विद्यार्थी का जो रिश्ता है वह एक फैसिलिटेटर का रिश्ता बन गया जी
एक अध्यापक इस वेले गुरु घट ते एक फैसिलिटेटर एक फ्रेंड एक फिलोसोफर ज्यादा बन गया जी। तो उहदे नाल जिहड़े अध्यापक ते विद्यार्थियों के रिश्ते जिहड़ा या ज्यादा क्लोज होए है जी, जिहदे नाल विद्यार्थी ज्यादा कंफर्टेबल हो के विद्यार्थियों कोल टीचर कोल जाके पढ़ सकदे। कुछ कंफर्टेबल ऑनलाइन एजुकेशन होण करके भी हो गया है कि जिहड़े आ टीचर्स नाल बच्चों के फोन भी जिहड़े फोन नंबर आ उह भी एक्सचेंज हो गए, हुण फोन ते भी बच्चा जिहड़ा गल कर सकदा है, व्हाट्सएप ते कदे भी कुछ भी पुछ सकदा है अध्यापक दे कोलों। रिश्तों के मतलब कह सकते हैं कि सुधार आया है टीचर ते स्टूडेंट दे। ते देखो हुण जदों आपां स्कूल की जिम्मेवारी की गल करते हैं तो स्कूल की जिम्मेवारी यह भी बनती है कि वह अपने स्कूल दे विच चंगे अध्यापक भर्ती करन। ते केड़ियां केड़ियां चीज़ां नोट करनिया चाहिए है स्कूल नूं कि अध्यापक जिहड़ा है किहो जिहा होना चाहिए आ, अध्यापक दे कह लो कि गुणा की जे आपां गल करिए कि अध्यापक दे किहड़े किहड़े गुण देखने चाहिए। देखो अध्यापक है तो एक सिंपल जिहा शब्द जी अध्यापक, पर इहदे मायने बड़े वड्डे है, बहुत वड्डे। एक अध्यापक दे जो रिस्पोंसिबिलिटीज हैगियां समाज दे विच जे आपां देखिए तो बहुत ज्यादा रिस्पोंसिबिलिटी एक अध्यापक दे उत्ते जी कुछ शतरां जिदा अध्यापक दे उत्ते मैं कहना चाहांगा, अध्यापक सूरज दा सिरनामा, अध्यापक मंजिल दियां राहां, अध्यापक पुल माझी ते रहबर, अध्यापक उड़दे बोटां दे पर, अध्यापक माता पिता ते दोस्त, अध्यापक सिर ते हथ दी उल्फत, अध्यापक संघने रुख दी छां जिहा, अध्यापक सुलझी हुई मां जिहा। क्या बात। सो ये सारियां सत्रां जिहड़ियां आ इक अध्यापक ते ढुकदियां आ। अध्यापक दे बड़े रोल है, एक टीचर भी है, एक दोस्त भी है, माता पिता भी है, एक माता मां वांग ओनू दुलारदा भी है जी, बच्चे नू जी। सो एक फ्रेंड फिलोसफर गाइड दी भूमिका जिहड़ा अध्यापक इस वेले निभा रहा है। कल आपां कह दईए भी उह ऑनेस्ट होना चाहिए, एक पंक्चुअल होना चाहिए, अपने कर्तव्य प्रति ईमानदार होना चाहिए, यह उहदी ड्यूटी नहीं है। अध्यापक इज ए रोल मॉडल जी, एक एक पूरे शब्द रोल मॉडल दे विच ही सारा कुछ समा जांदा, समा जांदा। एक रोल मॉडल सोसाइटी वास्ते बनना, विद्यार्थी वास्ते बनना, उहदे च सारे गुण आने चाहिए जी। सो सारे गुण एक अध्यापक दे विच होने चाहिए आ, फिर ही उह विद्यार्थी नूं परपक्ख कर सकदा जी। ते किहड़ियां किहड़ियां योग्यतावां देखियां जांदियां आ इक अध्यापक दे विच जदों उस नूं दाखल भर्ती कीता जांदा, या सरकारी स्कूल की गल करिए या प्राइवेट की। अध्यापक जिहड़े प्राइमरी स्कूल दे विच अध्यापक हैगे आ उह प्लस टू तो बाद ईटीटी की प्रीख्या होंदी है जी, दो साल का कोर्स हैगा एलीमेंट्री टीचर ट्रेनिंग कोर्स जी, वह करके उस तो बाद टैट क्वालीफाई करके वह प्राइमरी टीचर एज ते आ सकदे आ। उस तरह जिहड़े आपां मास्टर कैडर की गल करिए तो उपर मास्टर कैडर दे विच ग्रैजुएशन ते बी एड जी, उस तो बाद टैट क्वालीफाई, फिर डिपार्टमेंट जदों भर्ती करदा उदों डिपार्टमेंटल एग्जाम होंदा ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰਰ ਕਾਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੈਕਚਰਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬੀ ਐਡ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਜਾਣ ਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਵੀ, ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਜ ਬਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ, 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਣਾ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਏ ਜੀ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
छोटी क्लासा तो ही बिल्कुल ए नहीं कि आप कहे कि प्लस टू पास कर ली जो नौकरी से जाना फिर उन्हें कंपीटिशन बैठना है जी। तो आप पंजवीं क्लास के नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम आ जाता है, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम आ जाता है, उस तो बाद कई तरह की स्कॉलरशिप परीक्षावां NMS की एंड नैशनल टैलेंट सर्च एग्जाम है ओलंपियाड के एग्जाम आते हैं। इन्हों प्रीख्यावान वास्ते भी बच्चों मोटीवेट करना जागरूक करना जरूरी नहीं है कि टैक्सट बुक्स के सिलेबस आना जी। वो जो सिलेबस है इन्होंने जो कंपीटेटिव एग्जाम का सिलेबस टैक्सट बुक्स तो हट के होंगे जी। सो उन्होंने चीजा बारे भी विद्यार्थी जागरूक करना यह भी एक अध्यापक की जिम्मेवारी है पढ़ाई के नाल नाल बिल्कुल ता जो अगे जाके कंपीटिशन के वधिया कारगुजारी दे के एक चंगा नागरिक बने चंगे अहदे ते विराजमान बिल्कुल। ये तो वड्डे कॉम्पीटिशन की गल की है, कॉम्पीटिशन से छोटे छोटे बच्चे जिदा किंडरगार्टन है जिहड़े नर्सरी LKG UKG के छोटे छोटे बच्चे आ उन्हां वास्ते भी उसारे जांदे आ स्कूलों वालों, वह किन्ने क जरूरी है बच्चों का कॉम्पीटिशन दे विच भाग लेना किन्ना क जरूरी है, चाहे वह कोई भी कॉम्पीटिशन होवे चाहे वह डांस कॉम्पीटिशन ही क्यों ना हो। देखो ये बच्चों के जो आप स्कूल के मान लो इंटर स्कूल कंपीटी विद इन स्कूल कंपीटिशन है इंटर क्लास कंपीटिशन है जी वो विद्यार्थियों एक तो स्टेज के उत्ते बोलन की कला आती वो किस तरह बोल सकता स्टेज के उत्ते बंदा कि ऑडियंस में कि फेस करता है जी। तो वो नाल नाल कॉन्फिडेंस लैवल दिल ते दिमाग तक पहुंचती है ओ सारी उम्र उन्हें याद रहती है मेरे अध्यापक ने मैं फलाने कंपीटिशन च भाग लिया ही मेरे अध्यापक ने इस तरह की शाबाशी दी ही इस तरह के शब्द मेरे वास्ते बोले बिल्कुल सारी उम्र लिए प्रेरणा स्रोत रहिंदे आ और अगे तो अगे मोटीवेट कर पुराने समय की गल करिए जिवें तुसीं ब्लैक बोर्ड ते चौक की गल कीती आपां ओह पढ़ाई कीती है कि सिर्फ चौक ते ब्लैक बोर्ड और अजकल इन्ने सारे टीचिंग मैथड्स आ गए आ कि बच्चों का ध्यान मलो मल्ली जाता है पढ़ाई वाल देखते हैं स्कूलों के बहुत सारे योजे टीचिंग मैथड्स है जिन्हों बारे असं थोड़े तो जानना है कि अध्यापकों होर कि उपराले करने चाहिए है ता जो बच्चे की जी है पढ़ाई वाल रुचि वधे कह लो कि बच्चे का दिल करे कि हाँ कि मैं होर पढ़ा। देखो पहले जमाने दे विच की हुंदा हैगा कि जिस तरह ब्लैक बोर्ड ते चाक दी इकां गल कीती है कि अध्यापक आंदा हैगा ब्लैक बोर्ड ते लिखदा ही और बच्चा कापी ते जां स्लेट ते जां अपनी फट्टी ते नोट करदा है जी। हुण ओह टाइम नहीं रहा, हुण स्मार्ट क्लासरूम का युग आ गया, हर स्कूल दे विच स्मार्ट ब्लैक बोर्ड है गया जी। हुण वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड है गया जी। उहदे मार्कर दे नाल आपां लिखदे आ जी। उहदे नाल नाल हर स्कूल दे विच प्रोजैक्टर LED मोनीटर और स्पैशल एप्स है गया, बहुत सारिया डिपार्टमेंट ने जो डिवेलप कीतियां अध्यापकों ने डिवेलप कीतियां तो वो भी उन्होंने लोड कीतियां हुई हैं, विद्यार्थी उन्होंने नाल पढ़ते हैं जी। सिर्फ लिखना एक लिख के सीखना वो हुण पुरानी जिहड़ी रवायत रह गई, हुण जदों आपां बोल के सीखते हैं जां देखते हैं कोई पिक्चराइजेशन देखते हैं किसी चीज़ की ग्रुप डिस्कशन्स हुंदियां हां वो ज्यादा समय तक साडे दिमाग दे विच असर रखदियां, फ्लैश कार्ड्स जिहनूं आपां कहिंदे हां बिल्कुल जी। बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटीरियल जिहड़ा है डिपार्टमेंट वल्लों दित्ता जांदा उह स्कूलां दे विच अवेलेबल है और विद्यार्थी उन्हां नूं देख के उन्हूं समझदे है और अध्यापक भी बड़े मेहनती हैगे स्कूलां दे विच जिहड़े कि खुद अपनी TLM टीचिंग लर्निंग मटीरियल जिहड़ा है तैयार करते हैं बच्चों जो दसते हैं और बच्चे भी उन्होंने वाल देख के खुद तैयार करने की कोशिश करते हैं। मैं एक छोटी जी तुहानूं एग्जाम्पल दवांगा कि लास्ट असीं अपने जिले के कोशिश की कि साढ़े सारे जिले के स्कूलों के एक रजिस्टर डेकोरेशन का जिहड़ा कंपीटिशन करवाया जी। उहदे विच की कीता कि जिहड़े अटेंडेंस रजिस्टर है स्टॉक रजिस्टर जिन्नी तरह भी रजिस्टर स्कूलों के उन्होंने डेकोरेट करवाया जी। जदों अध्यापक ने अपने रजिस्टर डेकोरेट किए स्कूलों के तो उन्होंने वाल देख देख के बच्चों ने अपनी कापियां डेकोरेट करनी क्या बात है। सो एक अध्यापक इस तरह ने उन्होंने लीड किया और बच्चों ने उन्होंने कॉपी कॉपी किया। सो ये चीजा जो छोटी छोटी गल्ला तो छोटी छोटी
पर लंबे समय तक जिहड़ा है इहनां दा असर रहिंदा है, विद्यार्थी याद रखदा वी इस तरह भी आपां स्कूल दे विच एक्टिविटीज़ कीतियां जी। ये जिहड़े फ्लैश कार्ड जी तुसीं गल कीती है, ये माँ बाप भी अपने जिहड़े घर बच्चों नूं पढ़ाउण दे तरीकियां दे विच अपना सकदे आ जी? बिल्कुल अपना सकदे जी। की कोई होर भी मैथड्स ने जिन्हां नाल पढ़ाई जिहड़ी है आसान लगे बच्चों नूं, क्योंकि आपां इक किताब दे दईए बच्चे नूं कि आ पढ़ उत्ते सोटी लैके बह जाइए, उह मैनूं लगदा औखा काम है। उहनूं प्ले वे तरीके नाल उहनूं कोई वधिया तरीके नाल पढ़ाया जावे तां जो उहदा दिल करे पढ़न नूं, होर किहड़े किहड़े तरीके आ? देखो सोटी वाला काम ते हुण खतम हो गया, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट दे अकॉर्डिंगली ना ही तुसीं फिजिकली किसे बच्चे नूं पनिश कर सकदे हो जी, ना ही मैंटली तुसीं पनिश कर सकदे हो। तो उन्हों रोचक बनाने वास्ते कई तरह के प्लेवे मैथड्स जोड़े आ डिपार्टमेंट जोड़ा लै रहा है, और स्कूलों के अं खेड खेड विधि राही विद्यार्थियों पढ़ाने की कोशिश करते हैं जी, कि जिस तरह बच्चे इदा लगे कि वह खेडता पाया और उन्होंने एजुकेशन भी नाल नाल ग्रहण करे। जिस तरह एक बच्चा मान लो किसी बस के जा रहा है जी, ट्रैवल कर रहा कि सो कि सवारियां उन्हें काउंट कीतियां, बस के कि सवारियां है, किन्ने बच्चे ने टिकट किन्ने पैसे दी लई, किन्ने पैसे उन्हें दिते ते किन्ने पैसे वापस ले, ये छोटी छोटी चीजा है जी। और ये मैथमेटिकल स्किल जिहड़ा है बच्चा सीखता। थोड़े दिन पहला ही डिपार्टमेंट वालों टीचर के सैमीनार भी स्कूलों च ब्लॉक लैवल से कंडक्ट हो रहा है, वो ये चीज़ा सिखाई जा रही कि किस तरह बच्चों प्ले वे मैथड के राही बच्चों खेड विधि राही जिहड़ा पढ़ाया जा सके। सो ये रही प्रायमरी की गल, जो बच्चा थोड़ा जिहा अपर प्रायमरी दे विच चला जाता, मिडिल क्लास दे विच चला जाता, हायर एजुकेशन दे विच जाता, तो उत्थे जाके विद्यार्थी दे विच जिहड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लासां जिहड़ियां आ उह ज्यादा मायने रखदियां जी, ज्यादा समय तक विद्यार्थियों के दिमाग के उत्ते उहदा असर रहिंदा। अज बकाया कि उहदा आपां थियोरेटिकल उहनूं नॉलेज देईए, उहनां नूं प्रैक्टिकल नॉलेज जिहड़ी आ उह देनी चाहीदी जी। पर एंशिएंट एजुकेशन ते मॉडर्न एजुकेशन दे विच बड़ा फर्क, बहुत फर्क। पहला जिहड़ी एजुकेशन आपां दिंदे ही उह कुछ होर ही, अज मॉडर्न जिहड़ी एजुकेशन दित्ती जा रही है स्कूलां दे विच कॉलेजां दे विच जी उह कुछ होर है जी। आपां हुनर विकास वाले पासे तुरदे पए कि किस तरह एक बच्चे दा हुनर आपां तरा सकीए, उहदी स्किल डिवेलपमेंट कर सकीए, उह किहड़े विशे नूं पढ़ सकदा, उहदी करियर काउंसलिंग कर सकीए, तां जो इहनूं उस फील्ड दे विच ही पाया जा सके जिस फील्ड दे उह काबिल बणिया है जी। एक डाक्टर बनने वाला बच्चे नूं आपां कहीए कि तूं क्रिकेट खेडणा है ते उहदे विच फेल हो जाएगा, ना वो डॉक्टर बनेगा ना ही वो क्रिकेटर बनेगा जी। जे आप सिंपल क्रिकेटर की गल करिए तो पहले जमाने दे विच की होंदा हैगा, क्रिकेट टीम दे विच टोटल 12 प्लेयर होंदे ही 11, तो उहदे विचों 7 उन्होंने बैट्समैन चुने होंदे ही, 2 बॉलर होंदे ही ते बाकी ऑलराउंडर एक कीपर पा लिया जी। ते अजकल अज की आप गल करिए कहते जी सारे ऑलराउंडर होने चाहिए, उस तरह बच्चा भी ऑलराउंड डिवेलपमेंट वाले पास आप लैके जाना जी, हर पक्ष उहदा परपक्ष होए, हर गल तो वह परपक्ष होए, हर चीज की नॉलेज रखता होए जी, फिर ही कंपीटिशन दे विच बैठ सकेगा और हुनर विकास जिहड़ा उहदा जिहड़ा अहम मोटिव हैगा। जिहड़ी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्रेम हो रही है उहदे विच भी हुनर विकास की गल की जा रही जी, है और विद्यार्थियों नूं हुनर दे अकॉर्डिंगली उन्होंने सब्जेक्ट कंबीनेशन चूज करना ते उस किते वाले पासे तोरना जिस किते वास्ते ओ बनिया। किता मुखी सिक्ख्या दी जे आपां गल करदे आं कि किता मुखी सिक्ख्या वाल आपां जोर ज़्यादा दे के थानू नहीं लगदा किते ना किते बच्चियां दियां नैतिक कदरां कीमतां घट रही हैं, कि स्कूल दे विच नैतिक कदरां कीमतां दा भी विशा होना चाहिए? जी बिल्कुल, स्कूलों के लास्ट 2 साल तो लगभग स्वागत जिंदगी नाँ का एक विशा इंट्रोड्यूस किया गया, उहदे विच विद्यार्थी नूं किस तरह समाज दे विच विचरना, एक मान लो क्लासरूम दे विचों बाहर जा रहा जी, एक कमरे दे विचों बाहर जा रहा है तो उन्हें पखे ते स्विच जिहड़े आ बंद करके जाना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजा, ये स्वागत जिंदगी दे विच एक छोटी जी बुकलेट है जी, उहदे विच ये चीजा सिखाईआं जांदीआं, किस तरह वड्डिआं दा सत्कार करना है और जे कोई बाहरों आएगा उसनूं किस तरह ट्रीट करना है, किस तरह गलबात करनी है, ये चारी चीज़ा भी नैतिक कदरां कीमतां दे विच ही आ जांदा। उहदे इहदे नाल नाल समय समय ते विभाग वल्लों भी और स्कूलां दे विच भी अध्यापक बच्चियां नूं मोरल एजुकेशन दे नाल जोड़न वास्ते स्पैशल लैक्चर जिहड़े आ उह दिंदे रहिंदे आ जी, जिहदे नाल बच्चियां नूं नैतिक कदरां कीमतां दे नाल जोड़िया जा सके जी। बहुत वधिया तुसीं इह स्वागत जिहड़ा विशा दस्सिआ है, इह पहली वार मैं स्वागत जिंदगी, स्वागत जिंदगी बहुत वधिया। ते देखो समय समय ते जिहदा तुसीं दस्सिआ कि पहलां पढ़ाई होर सी अज होर आ, बदलाव जिहड़ा इक जिंदगी दा नाम है, समय समय ते बदलाव हुंदा है। ते अध्यापक जिहड़े आ जिहड़े बहुत सालां तों लगे होए आ इक स्कूल दे विच,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਸਕੀਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਵਿਜਿਟ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਅਕੈਡਮੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਚ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਫਰੂਟਫੁੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਔਰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 100,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਪਿਆ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਕਰ ਲਵੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸਸ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸੰਵਾਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ
जो मान लो मैसेज जो मैं देना चाह रहा विद्यार्थियों उन्होंने तक पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा जी ये भी चेक करना एक अध्यापक की जिम्मेवारी है कि वह उसनों किस तरह लै रहा मान लो कोई चीज़ों की प्रोनाउंसिएशन जी डिफरेंट हो सकती है विद्यार्थियों की सुनने की शक्ति जी घट वध हो सकती है तो वह चीज़ा चैक करनी कॉपी चैक करते हैं आप विद्यार्थियों दी या उन्होंने नाल दोबारा गलबात करते हैं या उन्होंने दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं फिर सानू पता लगता है कि जो आप कम्युनिकेट किया सही तरीके नाल विद्यार्थी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा फिर आप रिविजन करा के या दोबारा अंग्रेजी का दबदबा है अंग्रेजी भी भाषा आनी जरूरी है पर जो छोटे बच्चे है कई बार उस तरह इंग्लिश नहीं बोलते जिस तरह अध्यापक उन्होंने नाल बोलता तो वह बच्चा कित ना कि सवाल जरा उ मर जाता है क्योंकि वह सवाल पूछना नहीं आता अंग्रेजी के क्योंकि स्कूलों में मना किया जाता है कि माँ बोली पंजाबी नहीं बोलनी इतने की कहना चाहोगे देखो माँ बोली जी है वह विद्यार्थी जरा माँ तो सीखता जी उस बनया माँ बोली तो वह जी भी भाषा दे जी भी मान लो कि बच्चे की मदर लंग टैंग लैंग्एज हैगी है बच्चा वधिया तरीके नाल सीख सकता है ये फिलोसफी कहती है जी तो जे बच्चा पंजाबी दे विच सिख उहदी मदर टंग है तो पंजाबी दे विच उहनूं सिखाया जाए तो ज़्यादा वधिया तरीके नाल उहनूं ग्रहण करेगा वो सिख्या नूं तो स्कूलों दे विच आपां खास ध्यान रखते हैं कि जिहड़े बच्चे पंजाबी दे विच पढ़ना चाहते हैं उहनां नूं पंजाबी दे विच पढ़ाया जाता है उहनां नूं पंजाबी माध्यम दीआं किताबां पंजाबी माध्यम दे विच उहनूं एजुकेशन दित्ती जाती है कुछ बच्चे जिहड़े आ उह दूसरा माध्यम जां इंग्लिश जां हिंदी दे विच पढ़ना चाहते हैं उन्हां वास्ते इंग्लिश दीआं टैक्सट बुक्स अवेलेबल है और अध्यापक भी उन्हां नूं उस लैंग्वेज दे विच इंग्लिश दे विच पढ़ाउण दी कोशिश जिहड़े आ करदे आ और जे मान लो कई वारी कट्टी भी क्लास बिठाउणी पैंदी है टीचर्स कई जगह घट हुंदे आ ते उत्थे बाइलिंगुअल जिहड़ा मैथड जिहड़ा आ अडॉप्ट कीता जांदा है तां जो जिहड़ी भी भाषा दे विच बच्चा समझना चाहे ओह समझ सकदा है बिल्कुल टीचर्स नूं भी इत्थे कोऑपरेट करना चाहीदा बच्चे दे नाल कि ओह किहड़ी भाषा दे विच कंफर्टेबल या देखो समा बहुत थोड़ा है जाते जाते आप एक्सट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की गल करते हैं पढ़ाई के नाल नाल जिंदगी दे विच ये किन्नियां के अहमियत रखती हैं एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नूं ना भावें एक्सट्रा लगे जुड़िया होया पर ये भी उन्नियां ही अहमियत रखती हैं जिन्ना के साड़ी पढ़ाई है और पढ़ाई के नाल नाल एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिहड़ियां आ उह स्कूलां दे विच निरंतर समय समय से होंदियां रहिंदियां और होनियां भी चाहीदियां ये नाल बच्चा जिहड़ा आ अपने हुनर का विकास करना जिहड़ा सीखता है उहदे विच जिहड़ा एक्सट्रा टैलेंट है वह किदां बोलता है स्टेज के उत्ते डांस किदां करता है या उहदी राइटिंग अच्छी है किसी बच्चे का कोई होर टैलेंट अच्छा कोई खेडां दे प्रति अच्छा है कोई म्यूजिक दे विच अच्छा है और उस चीज़ नूं उहदी प्रतिभा नूं बाहर कढ़न का मौका जिहड़ा आ एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दे विच ही मिलता है सो इह निरंतर जिहड़ियां स्कूलां दे विच हुंदियां और हर बच्चे नूं अपना टैलेंट दसण दा मौका मिलता जी मैनूं लगदा है कि माँ बाप नूं भी बच्चे ते थोपना नहीं चाहिए कि तू डॉक्टर ही बनना है इंजीनियर ही बनना है या टीचर ही बनना है बच्चे दे हुनर देखना चाहिए कि उसकी रुचि किस ध्यान किस वल है उधर ही उसनों पाना चाहिए तो ही बच्चा जिहड़ा है ग्रोथ कर सकता है तुसीं साडे स्टूडियो दे विच आए बहुत जानकारी भरपूर गल्लां बातां कीतियां थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जी दर्शको थोड़ा भी शुक्रिया